लेट्स टेक मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू एग्जांपल्स, ठीक है. मल्टी लेवल क्यू एंड दूसरा कौन सा है? एक ही है सर. नहीं दो है, मल्टी फीडबैक, ठीक है. सो लेट्स से कि एक कॉलेज में काउंसलिंग चल रहा है, लोगों ने ट्वेल्थ एग्जाम, ट्वेल्थ का एग्जाम आफ्टर एचएससी है ना, आफ्टर एचएससी का एग्जाम दिए लोगों ने, अब वो काउंसलिंग के लिए आए. तो ये काउंसलिंग है साइंस की, और ये काउंसलिंग तो उधर दो तीन काउंसलर्स बैठे हैं, और ये ये है कॉमर्स की और ये है आर्ट्स की, ठीक है. तो यहाँ पर वो कैंडिडेट को पूछते हैं कि आपको कौन सा स्ट्रीम में जाना है, ठीक है. तो कॉमर्स में बहुत सारे अलग अलग है, बीबीए है, बीसीए है, सॉरी बीबीए है, बीबीएम है, बीकॉम है, क्या क्या है. आर्ट्स के अंदर भी अलग अलग स्ट्रीम्स है, फाइन आर्ट्स है और पॉलिटिकल है और बहुत सी चीज़ें हैं. साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें वैसे आपको मालूम है, कंप्यूटर है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, बहुत कुछ है. तो वो बंदा आके बोलता है मुझे जाना है साइंस में. कहाँ जाना है? साइंस में. तो किसको अलॉट कर देंगे? उसको कौन से क्यू में डाल देंगे? उसको कौन से क्यू में डाल देंगे? साइंस क्यू में ना. हाँ. तो साइंस क्यू में अलग अलग काउंसलर्स बैठे रहेंगे. तो काउंसलर वन साइंस, तो साइंस वन, साइंस टू, है ना. तो वो उनसे मिलेगा और फिर बाहर चला जाएगा फिर, है ना. तो उसको आइडिया आएगा कि मुझे साइंस में क्या करना है, ठीक है. नहीं दूसरा बंदा आया, उसको कॉमर्स करना है, तो उसको यहां डाल देंगे क्यू के अंदर. अब उधर कॉमर्स के अलग अलग काउंसलर्स बैठे हैं, वो उसको काउंसलिंग करेंगे. कॉमर्स वन, कॉमर्स टू, कॉमर्स थ्री, कोई सीए बैठा है, कोई कौन बैठा है, तो वो उसको काउंसलिंग करेंगे, वो घर चला जाएगा, है ना. तो जो भी अंदर आता है उसको कितने ऑप्शन है उसके पास, सिंगल क्या मल्टीपल, है ना. तो उसके बाद अगर साइंस है तो साइंस में जा, कॉमर्स है तो कॉमर्स में, आर्ट्स तो आर्ट्स. इसके लिए मल्टी लेवल क्या ये क्यूज क्या है? मल्टी लेवल है, ठीक है. अब साइंस वाले ने अपना माइंड बना लिया कि मुझे साइंस करना है, तो अभी वो कहां जाएगा एडमिशन लेने के लिए? एडमिशन प्रोसेस में किसमें जाएगा? हेलो, एडमिशन. तो एडमिशन प्रोसेस में क्या होता है कि समझो तीन दिन का प्रोसेस है. तीन दिन का प्रोसेस, कितने दिन का प्रोसेस है? तो पहले दिन जो है फॉर्म कलेक्ट करना है, मतलब इट इज अ थ्री लेवल प्रोसेस. कलेक्ट फॉर्म, कलेक्ट क्या, फिर फॉर्म फिलअप करके वेरीफाई फॉर्म, क्या करने का आप लोगों ने किया होगा ना, वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स. और तीसरा पे फीस. तीसरा क्या? पे फीस, है ना. अब कोई बंदा जो है वो आउट ऑफ स्टेशन से आया है, आउट ऑफ स्टेशन से, तो कैन ही कम अगेन अगेन क्या एवरी डे, कि एक दिन फॉर्म लेंगे, एक दिन वेरीफाई करेंगे, एक दिन फीस पे करेंगे. विल ही कम थ्री डिफरेंट डेज? तो वो क्या करेगा, पहले पहले किस में रुकेगा वो लाइन में? फॉर्म की. जब फॉर्म ले लेगा तो क्या करेगा फिर? अभी वो किसके लाइन में रुकेगा? तो देखो इधर अपने पास दो ऑप्शन है, या तो आप घर के घर जाओ फॉर्म, अगर समझो कोई लोकल लोकल बंदा है तो क्या करेगा, फॉर्म लेगा और कहां जाएगा? घर पे. और अगर कोई बंदा बाहर से आया है तो ही कैन नॉट गो होम एवरी डे, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है कि अभी तूने फॉर्म ले लिया ना, अभी कहां चला जा? काउंसलिंग का ही को वेरीफाई करने चला जा. कहां चला जा? तो कहां चला जा तू? तो वो यहां चला जाएगा फिर. तो इसका जो आउटपुट है वो क्या चला जाएगा? उसका इनपुट, इनपुट है ना, इसका इनपुट बन जाएगा.
अब उसने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए तो ही कैन गो होम, और सेकंड ऑप्शन क्या है अगर उसको उसी दिन काम करना है तो उसी दिन अगर तो काम करना है तो अभी क्या कर, फीस के लाइन में लग जा, है ना। हाँ। और फिर फीस पे करके तो अपना घर चला जा। तो आपको एग्जिट करने का तीनों टाइम पे मौका मिलता है। तो ये फीडबैक क्यों है? फीडबैक क्योंकि एक क्यू का आउटपुट दूसरे क्यू को फीडबैक जा रहा है, तो ये मल्टी लेवल क्यू है, समझा। तो ये थे वो, देखो तो ये क्या है, मल्टी लेवल क्यू है, क्या है, डिफरेंट क्यूज है, आप किसी एक में ज्वाइन कर सकते। और मल्टी लेवल फीडबैक क्या है, एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट। तो या तो आप यहां से क्विट करो, आप नेक्स्ट डे आओ, या फिर अगर आपको सेम डे करना है तो ये काम भी कर लो, या अभी क्विट करो, या फिर तीसरा काम भी करना है तो सेम डे तीसरा काम भी कर लो, साथ में क्विट करो, समझा। तो ये है मल्टी लेवल क्यू। तो इसमें क्या होता है कि एक एक क्यू जो ना, एक एक क्यू चलती है एक एक एल्गोरिथम पे। हम जो पहली क्यू चल रही है FCFS पे, दूसरी SGF पे, तीसरी राउंड रॉबिन पे, ऐसा। तो वैसे वो लोग क्यूज को शेड्यूल करते, समझा। क्या था ये, मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक।